today I'm going to tell you 7 best doctors according to me in Pune. I'm sure this will help all those who are new in Pune and searching a good doctor. इस वीडियो में 7 कैटेगरीज हैं जिसमें फैमिली फिजिशियन से लेके पेडियाट्रिशियन से लेके कार्डियोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट सब हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि ये सारे डॉक्टर्स जो हैं वो एक जगह पे आपको कहाँ मिल सकते हैं. सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए. लेट्स बिगिन. आई एम श्योर ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट. अगर आपकी कोई क्वेरी है कोई कमेंट है तो प्लीज़ आप लिख दीजिए. सेकेंड, अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सारे जो डॉक्टर्स के नाम हैं और उनके फ़ोन नंबर्स हैं उनके क्लिनिक के जो फ़ोन नंबर्स हैं दैट आई एम गोइंग टू पुट इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हाई फ्रेंड्स, मैं हूँ मुग्धा. वेलकम टू माई चैनल दिव्यांगी. आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर्स. बेसिकली आई एम नॉट फ्रॉम पुणे. आई शिफ्टेड टू पुणे फ्रॉम मुंबई इन 2012. एंड इन 2012 वो जो एक साल था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए. बिकॉज चेंज ऑफ वेदर, हम लोगों को हर दूसरे दिन हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होता था. और सबसे बुरी बात ये थी कि उस वक्त वी वर कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट द गुड डॉक्टर्स अराउंड अस. सो टुडे आई थॉट कि एज पूना इज़ अ मेट्रो सिटी, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, तो सबसे बड़ी बात जो वो फेस करते हैं, जो डिफ़िकल्टी वो फेस करते हैं, वो है एक अच्छा डॉक्टर. सो मैंने इतने सालों में जितना भी देखा है, जितना स्टडी किया है, जितना रिसर्च किया है, बिकॉज आई एम वेरी फजी अबाउट गुड डॉक्टर्स. आई कैन नॉट गो टू एनी डॉक्टर. आई वॉन्ट MD डॉक्टर, द स्पेशलिस्ट डॉक्टर. सो वॉट एवर द डॉक्टर्स लिस्ट आई हैव, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू 7 बेस्ट डॉक्टर्स अकॉर्डिंग टू मी इन पुणे. हमारी फर्स्ट कैटेगरी है पेडियाट्रिशियन. इस कैटेगरी में मैं आपको 2 डॉक्टर्स सजेस्ट करूँगी. एक है डॉक्टर राजन जोशी एंड सेकेंड है डॉक्टर सुनील गोड़बोले. ये दोनों ही MD पेडियाट्रिशियन हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं. ये 2 डॉक्टर जो हैं वो ऐसे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट ऑफ मेडिसिंस नहीं देंगे बच्चों के लिए. 1 से 2 मेडिसिंस में उनके तबीयत ठीक होती है. आपको 10 बार फॉलोअप के लिए जाना नहीं पड़ता है. आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं. डॉक्टर सुनील गोड़बोले जो हैं उनका सदाशिवपेट में खुद का प्राइवेट क्लिनिक है और डॉक्टर राजन जोशी जो हैं उनका लॉ कॉलेज रोड में खुद का क्लिनिक है और अलग अलग हॉस्पिटल्स में वो एज अ कंसल्टेंट डॉक्टर भी जाते हैं, जो कि मैं आपको एंड में बताऊंगी कि ये दोनों डॉक्टर्स आपको एक ही हॉस्पिटल में कहाँ मिलेंगे. हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है डर्मेटोलॉजी. इस कैटेगरी में मैं आपको रेकमेंड करूँगी डॉक्टर अनघा दुधभाते. इनका खुद का क्लिनिक है एरंडवणे में. शी इज़ MD इन डर्मेटोलॉजी. शी इज़ पेडियाट्रिक डर्मेटोलॉजिस्ट. हाँ, जब इनिशियली हम जब पुणे में शिफ्ट हुए थे तब हमारे फैमिली मेम्बर में से एक को एक वॉट करके स्किन का प्रॉब्लम होता है, जिसे उनको थंब में ये प्रॉब्लम हुआ था. उस वक्त हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था. तब सारे डॉक्टर्स ने ऑपरेशन ही हमें सजेस्ट किया था. उस वक्त डॉक्टर राजन जोशी, जो जिनका नाम मैंने पेडियाट्रिक सेक्शन में बताया है, उन्होंने इनका नाम मुझे रेकमेंड किया था. तो एक लास्ट ऑप्शन सोचकर हम उनके पास गए थे. तब उन्होंने कहा था कि नहीं, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत है ही नहीं इसमें, और उनके दवाइयों से ही वो प्रॉब्लम ठीक हो गया था. सो दैट टाइम आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड विथ हर. सो आई कैन सजेस्ट हर नेम फॉर एनी काइंड ऑफ स्किन प्रॉब्लम. हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है कार्डियोलॉजी, और इसमें मैं रेकमेंड करूँगी डॉक्टर शिरीष साठे. डॉक्टर शिरीष साठे इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड वेल नोन डॉक्टर फॉर कार्डियोलॉजी. इनका पुणे में भांडारकर रोड में खुद का क्लिनिक है
लता मंगेशकर जी की हार्ट सर्जरी जो थी वो इन्होंने ही की थी। इनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी टीवी पर आते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं मीडिया सोशल मीडिया पर हार्ट रिलेटेड। यू कैन गूगल एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। आई वुड रिकमेंड डॉक्टर शिरीष साठे इन पुणे फॉर कार्डियोलॉजी। है फिजिशियन और इस कैटेगरी में मैं एक ही नाम रेकमेंड करूंगी, दैट इज रमेश कुलकर्णी, बट ही इज़ वेरी वेल नोन एज आरबी कुलकर्णी, आरबीके। ही इज एमडी मेडिसिन, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, एंड आई कैन ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। इनका एरंडवणे में क्लिनिक है और हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू हो तो यू कैन कंसल्ट हिम। सो इन फिजिशियन आई वुड रेकमेंड आरबीके, आरबी कुलकर्णी। इसमें मैं नाम रेकमेंड करूँगी डॉक्टर शिरीष पाठक। ही इज एमएस सर्जन, शोल्डर स्पेशलिस्ट, शोल्डर सर्जन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। इनका एरंडवणे में खुद का क्लिनिक है और ये सारे जो डॉक्टर्स मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ ये ऑल आर ट्राइड एंड टेस्टेड पर्सनली बाय मी और बाय माय फैमिली मेंबर्स। हमारी सेकेंड लास्ट कैटेगरी है ऑन्कोलॉजिस्ट। इस कैटेगरी में मैं आपको नाम रेकमेंड करूँगी डॉक्टर संजय देशमुख। ही इज़ एमएस एंड उनका खुद का क्लिनिक है बंड गार्डन में। मेरी मम्मी की खुद की ट्रीटमेंट उनके पास चल रही थी। सो ही इज़ वेरी गुड ऑन्कोलॉजिस्ट। हमारे मुंबई के जो डॉक्टर हैं उन्होंने, बिकॉज इट इज़ नॉट फिजिबल कि आप एवरी टाइम यू कैन गो टू मुंबई, सो उन्होंने ये डॉक्टर रेकमेंड किए थे और आई मस्ट से ही इज़ वेरी गुड डॉक्टर। सो इन दिस कैटेगरी डॉक्टर संजय देशमुख। हमारी लास्ट कैटेगरी है होम्योपैथी। जैसे कि आपने देखा होगा फर्स्ट सिक्स कैटेगरीज में एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं एंड दे ऑल आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड रिनोन डॉक्टर्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। वैसे ही ये होम्योपैथी सेक्शन में मैं दो नाम रेकमेंड करूँगी। एक है डॉक्टर अमित हब्बू एंड सेकेंड नेम इज़ डॉक्टर सचिन खिरीड। दिस बोथ डॉक्टर्स आर एमडी होम्योपैथिस्ट एंड दे हैव स्टडीड मेडिसिन ऑल्सो। सो जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर वो आपको एलोपैथिक दवाइयाँ भी रेकमेंड करते हैं। अगर आपका कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा हो तो उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए वो होम्योपैथी भी आपको सजेस्ट करते हैं। सो जहाँ तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है आई एम वेरी हैप्पी विद देम। और जितना भी मैंने मेरे रिलेटिव्स में या मेरे फ्रेंड सर्कल में जितनों को भी रिकमेंड किया है इन डॉक्टर्स को, दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी विद दिस डॉक्टर्स ट्रीटमेंट। सो इन दिस सेक्शन डॉक्टर अमित हब्बू का जो क्लिनिक है वो कोथरूड एरिया में है एंड डॉक्टर सचिन खिरीड जी का क्लिनिक जो है वो कैंप एरिया में है प्लस वानोरी एरिया है वहाँ पर है। इन सारे डॉक्टर्स के जो नंबर्स हैं, नाम और नंबर, मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और अब बारी है आपको बताने की वो जगह जहाँ पर आपको ये सारे डॉक्टर्स एक ही जगह पर मिल सकते हैं। वो जगह है दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल है एरंडवणे नियर कोथरूड। आप में से बहुत लोगों के लिए कोथरूड, एरंडवणे, सदाशिवपेट, करवे नगर ये लोकेशन शायद बहुत दूर हो, तो उन सबके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है। नज़दीकी डॉक्टर के पास चार बार फॉलोअप के लिए जाने से बेटर है किसी अच्छे डॉक्टर के पास जो दूर है उसके पास आप एक ही बार जाओ। इट सेव्स योर मनी, इट सेव्स योर टाइम, इट सेव्स योर एनर्जी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट सेव्स योर हेल्थ।